दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस श्रृंखला के विजेता को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिरकार किसे बताया पोंटिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक श्रृंखला का विजेता, जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रिकी पोंटिंग और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप के निराशाजनक सफर के बाद भारतीय दर्शकों के लिए खुशी के ऐसे कई पल आने वाले हैं जिसके लिए हर एक भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला खेलनी है और आने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से ये श्रृंखला भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। ऐसे में मेजबान देश के साथ विश्व कप के ठीक पहले T20 सीरीज खेलना भारतीय टीम की तैयारियों को पुख्ता करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर व्यक्ति की नजर इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला पर टिक गई है और इन्हीं सबके बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया, उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिकी पोंटिंग ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि T20 विश्व कप के लिए अब मुश्किल से एक महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में हर टीम इस विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों का आपस में टकराना बिल्कुल सही है और T20 विश्व कप में भूचाल ला सकता है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक के इतिहास के सबसे खतरनाक T20 श्रृंखला को देखने मिलेगी। वहीं पोंटिंग ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने अभी एशिया कप खेला है और उसमें भारतीय टीम ने बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को विश्व कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय टीम का एशिया कप के सुपर फोर राउंड से बाहर हो जाना भारतीय टीम के लिए आने वाले भविष्य में कई चिंताएं खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद ही खतरनाक नजर आ रही है और उन्होंने लगातार अपने पिछले कई मुकाबलों को जीतकर बेहतरीन रिदम पकड़ा है। इन दोनों टीमों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीत लेगी, लेकिन भारतीय टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो भारत देश है जो किसी भी पल वापसी करने का दम रखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली श्रृंखला में क्या ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।